मैंने कहा पागल है, नहीं मतलब ऐसे नहीं बोला मैंने। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 11 अप्रैल और आज से लोकसभा में इलेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हर किसी को वोट डालना चाहिए। एक एक वोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब मैं सुबह उठता हूँ मुझे एक बहुत ही गलत आदत लग चुकी है, कॉफ़ी या फिर चाय पीने की। अब हम जाटों में पीते हैं एकदम असली और प्योर चाय। हम जो चाय पीते हैं वो होती है बिल्कुल दूध में पत्ती लगा के उसको उबालते हैं। वैसे काफ़ी लोग पानी ज़्यादा डालते हैं, थोड़ा सा दूध और चाय पत्ती डाल के उबाल देते हैं, वो चाय चाय नहीं होती। वाह ताज, मच बेटर। क्योंकि अभी सुबह के टाइम भी 30 डिग्री सेल्सियस हो रहा है दिल्ली में, भाई गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ही मैं ये गर्म गर्म चाय पी रहा हूँ। जैसे ठंडे को ठंडा काटता है, गरम को गरम काटता है और को काटता है। वाह क्या शेर सुनाया। 9:05 हो चुके हैं और अभी बहुत ज्यादा काम है क्योंकि 10 बजे मुझे वीडियो अपलोड करनी है। पर मैं एक चीज से बहुत ज्यादा खुश हूँ, जो मेरे घर में इंटरनेट लगा हुआ है और जो वाईफाई राउटर है भाई बड़ी अच्छी स्पीड देता है, बहुत ही सुख आ चुका है जब से मेरी लाइफ में है। और ये जो इंटरनेट है ये है एक्साइटल का, और सीरियसली इसकी जो डाउनलोडिंग स्पीड है और अपलोडिंग स्पीड है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मुझे अपलोडिंग ज़्यादा चाहिए होती है एज ए यूट्यूबर। अगर आप भी यूट्यूबर, आपके एरिया में एक्साइटल है तो आप एक्साइटल लगा सकते हो। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये पेड प्रमोशन है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। जो चीज़ मेरे को अच्छी लगती है मैं वो बताता हूँ। अभी मेरे पास पेड प्रमोशन आया नहीं, और अगर मैं ऐसे ही फ्री में प्रमोशन करता रहूँगा तो शायद आगे ये मेरे करियर को दिक्कत दे सकता है। पर आगे भी मैं उन चीज़ का प्रमोशन करूँगा जिसमें अपन का ज़मीर इजाज़त देगा। मैंने वीडियो तो अपलोड कर दिया, मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है, और वो काम क्या है वो मैं आपको नीचे ही बताता हूँ। अब मैं अपनी एक गाड़ी पे ध्यान दूँ और दूसरी गाड़ी पे ध्यान ना दूँ, ये तो बहुत ज्यादा नाइंसाफी होगी इस वाली कार के साथ। क्या हवा का मैं, मुझे लग रहा है शायद पंचर ना हो। आप लोगों को लगता होगा मेरी फैमिली में अकेला बस मैं ही एक सैवेज हूँ, मैं ही एक लिट पर्सनैलिटी हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे भैया मुझसे भी ज़्यादा सैवेज है। अब जो मेरी वाली कार है, मतलब कि वरना इसकी जो चाबी है वो भैया लेके चले गए बॉम्बे अपने साथ, और इसकी जो डुप्लीकेट चाबी है वो भैया ने तोड़ दी थी। सैवेजों का खानदान है मेरा पता है। और एक गाड़ी को हमें निकालना है तो हमें इस गाड़ी को ऐसे खोलना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली मुझे इसमें करवाना क्या है। यहाँ पे हुक जैसी चीज़ देख रहे हो, ये हटेगी और इसकी जगह ये लग जाएगा, यहाँ पे फिट हो जाएगा। अब ये इसलिए लगा था क्योंकि मेरी कार खराब हो गई थी और इसको टो करना पड़ा था। अब बेसिकली हुआ क्या था, इसको टो क्यों करना पड़ा था, क्योंकि जो इसका चैम्बर होता है वो फूट गया था, क्योंकि ये गाड़ी गई थी अभी यूपी में और यूपी की सड़कें होती हैं बहुत ज़्यादा ख़राब, और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है बहुत ज़्यादा कम है, तो इस गाड़ी को चोट लग गई। चोट इसको लगती है पर दर्द हमें होता है, वो भी दो जगह, एक जगह दिल में और एक जगह जेब में। देखो आज ना मैं आपको रमन सिंह के हवाले से एक टिप देता हूँ, अगर आपकी गाड़ी में पंचर है या फिर हवा बिल्कुल नहीं है तो अपनी गाड़ी को रॉकेट ना बनाए, या फिर उसकी रेलगाड़ी ना बनाए, उसको एकदम बिल्कुल गधा गाड़ी की तरह चलाए, बहुत धीरे चलाए, तभी आपका टायर बचा रह सकता है। मेरी कार में पंचर निकला नहीं, बस वॉल खराब थी, वॉल डलवाई, हवा डलवाई, चारों टायर एकदम फिट। बस मैंने अभी अपनी कार वॉश नहीं करवाई क्योंकि प्लान में थोड़ी तब्दीली आ गई। वो कह रहा था कि यार 1.5 घंटा लगेगा, तो मैंने कहा पागल है, मतलब ऐसे नहीं बोला मैंने, मैंने कहा मैं पागल थोड़ा ना हूं, मैं 1.5 घंटा कार वॉश में लगा दूंगा। और उसे बोला कि कार वॉश करने के लगेंगे 550 रुपीज प्लस सर्विस टैक्स। मैंने दोबारा से कहा पागल है, नहीं मतलब मन में कहा, ऐसे मुंह पे नहीं कहा, क्योंकि जहां से मैं अपनी कार वॉश कराता हूँ वो भाई 250 रुपए लेता है। आज की दूसरी टिप रमन सिंह के हवाले से, आप सर्विस सेंटर के पीछे ज्यादा ना पड़े। अगर आपको कोई चीज बाहर सस्ते में मिल रही है और अच्छी मिल रही है तो आप वहीं पे जाएं। अब हम आ चुके हैं वीडियो के मेन पार्ट पे, जो कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा और कैप्शन में भी देखा होगा। और इसके लिए पहले मुझे चाहिए मेरी स्मार्ट वॉच। ये है मेरी स्मार्ट वॉच सैमसंग गियर S3 फ्रंटियर, और ये घड़ी पिछले 4 महीने से मेरे पास है, डेली इस वॉच को मैं यूज करता हूँ। वैसे ही मुझे घड़ियों का वॉचेस का बहुत ज्यादा शौक है, बस जो नॉन स्मार्ट या फिर एक नॉर्मल एनालॉग या फिर डिजिटल वॉचेस है उनको मंगवाते हैं। तो ये रही वो सारी वॉचेस, पूरा ऐसे गुच्छा भर के मेरे पास है। मेरे ओपिनियन में कौन सी बहुत ज्यादा अच्छी है, एक स्मार्ट वॉच या फिर एक नॉर्मल एनालॉग या फिर डिजिटल वॉच, तो उसके लिए हम कैमरा एंगल चेंज करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें आवश्यकता होगी एक व्हाइट बोर्ड की। इसके बाद जो दूसरी चीज की हमें आवश्यकता है वो है ये। तीसरी चीज की आवश्यकता है, अगर हमने यहाँ पे मान लो कुछ भी लिखा और अगर हमें उसको रब करना है तो हमें चाहिए होगा उसके लिए डस्टर। डस्टर हमें कोई रिनॉल्ड डस्टर नहीं चाहिए, हमें चाहिए नॉर्मल मिटाने वाला डस्टर। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो देसी जुगाड़ हाथ
तो चाहिए ही। अब है हमें सबसे अहम चीज की आवश्यकता और वो है हमारी स्मार्ट वॉच। तो ये हमारी स्मार्ट वॉच यहाँ पर प्रस्तुत हो चुकी है और अब जो हमें चाहिए वो है हमारी एनालॉग या फिर नॉन स्मार्ट वॉच। क्या ये एक वॉच इन सब पे भारी होगी? चलिए शुरू करते हैं। तो ये वाला भाग है, ये है स्मार्ट वॉच का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्मार्ट वॉच। और जो ये वाला भाग है ये है हमारी एनालॉग वॉच का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एनालॉग, उर्फ नॉर्मल, मतलब कि साधारण। यहाँ पे मिश्रण है बहुत ही ज्यादा महंगी वॉचेस का और आपकी जो नॉर्मल वॉच होती है उनका, और एक टक्कर में इनके साथ स्मार्ट वॉच। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस की। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सैमसंग गियर S3 की, तो जब ये मैंने इसको परचेस किया था तब ये मुझे पड़ी थी अराउंड 23K, मतलब कि 23,000। और अगर मैं इन वॉचेस के प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पर मौजूद है 3K से लेके 30K तक की वॉचेस। अगर यहाँ पे हम प्राइस की बात करें तो ऑब्वियसली जो स्मार्ट वॉच है वो एनालॉग वॉच से थोड़ी महंगी साबित होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको जो मिड रेंज है, जो एवरेज मैं निकाल के देखूँ, 12 से 15K, मतलब कि 12,000 से 15,000 में नॉर्मल अच्छी एनालॉग वॉच आपको मिल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा कूल और ट्रेंडी लगती है। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रो की। प्रो नंबर वन ये है कि स्मार्ट वॉच बहुत ज़्यादा कूल होती है। ऐसा शायद ही हो कि अगर आपने एक अच्छी स्मार्ट वॉच वेयर करी हो और कोई आपसे ना पूछे कि ये कौन सी वॉच है, कितने के लिए, कहाँ से ली, क्यों ली। नॉर्मल एनालॉग वॉच का सबसे बड़ा प्रो होता है कि वो क्लासी होती हैं और ये लेस प्राइस में मिलती हैं अगर हम कंपेयर करें स्मार्ट वॉच से। प्रो नंबर टू, जो स्मार्ट वॉच होती है ये बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होती है। आप अपने जो वॉच फेसेस हैं उनको चेंज कर सकते हैं। आपने एक बार स्मार्ट वॉच वेयर करी तो आप इससे हर टाइम खेलते रहोगे, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं एक्सप्लोर करने के लिए। और एनालॉग वॉच का प्रो नंबर टू है कि इजी टू मेंटेन होती है। इजी टू मेंटेन कैसे? इसमें कोई झंझटबाजी नहीं है, ना तो आपको चार्ज करने की जरूरत है, स्पेस बढ़ जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, बस लो, पहनो, अपने लुक के अकॉर्डिंग देखो कि चेन वाली ज्यादा अच्छी लगी है, स्ट्रैप वाली, और बाहर निकल जाओ। हम आते हैं कॉन्स की तरफ। मुझे इसका सबसे बड़ा कौन लगता है कि हर दूसरे दिन आपको ये टेंशन रहेगी कि इसको चार्ज करना है, फुली चार्ज करना है, बाहर जाओ तो उसकी बैटरी कम ना हो जाए। तो ये तो एक बहुत बड़ा पंगा रहता है हमारी स्मार्ट वॉचेस के साथ। एनालॉग वॉच का कौन नंबर वन है कि ये बहुत ज़्यादा बेसिक होती है, क्योंकि ये बस आपको वक्त दिखाएगा और कुछ नहीं। और जो आपकी स्मार्ट वॉच है वो इसी तरफ आपको बताएगी तापमान के बारे में कि 29°C हो चुका है, गर्मी है बहुत ज़्यादा, आपके स्टेप्स बताएगी कि आपने कितने स्टेप्स चले हैं, आपके फ़ोन की तरह काम करेगी, आप यहीं से कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो ये तो है एकदम कंप्लीट पैकेज। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि अगर किसी ने एक बार स्मार्ट वॉच पहन ली और उसने एक महीने तक इस वॉच को यूज़ कर लिया, डेफिनेटली कोई नॉर्मल एनालॉग वॉच तो कभी नहीं पहन पाएगा। इतना वाइल पहन सकता है पर रेगुलर बेसिस के लिए डेफिनेटली वो नहीं पहन सकता, क्योंकि उस पर्टिकुलर इंसान को आदत पड़ जाएगी एक स्मार्ट वॉच की। अब जैसे मैंने बताया कि स्मार्ट वॉच का सबसे बड़ा कॉन यही है कि इसको आपको चार्ज करना पड़ेगा। आजकल हमारे सारे डिवाइसेस ऐसे हुए कि आपको चार्ज करना पड़ता है, चाहे वो कैमरा हो, फोन हो, इवन गाने सुनने के लिए आपके ईयरबड्स, ईयरफोन्स हो, ऊपर से वॉच भी चार्ज करने वाली आ गई, तो ये एक थोड़ा सा हेडेक हो सकता है लोगों के लिए। और हर एक इंसान को अपने आप को भी चार्ज करना पड़ता है। मेरे लिए तो अपनी स्मार्ट वॉच को चार्ज करना एक हेडेक नहीं है, क्योंकि भाई हम मूवीज देख के या फिर यूट्यूब पे वीडियोज देख के या फिर कुछ और फन करके बाहर जाके अपने आप को चार्ज कर लेते हैं और हमें याद रहता है कि हम अपनी स्मार्ट वॉच को चार्ज करें। पर जो कुछ लोग हैं जो दो पैक विस्की टकाते हैं या फिर दो बियर की बोतल टका के सोते हैं, वो कहाँ से चार्ज करेंगे ये स्मार्ट वॉच? उनके लिए तो एनालॉग वॉच ही बेस्ट है। अभी वीडियो रिकॉर्ड करते करते ही मेरे पास एक पार्सल आया और मुझे पता है इसके अंदर क्या है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी वीडियो में मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर दूँ। तो ये है एक टी शर्ट, और ये थोड़ा मैं टी शर्ट आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये टी शर्ट है टन 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 एवेंजर्स एंड गेम की। यहाँ पे एवेंजर्स का लोगो है। और ये मैंने टी शर्ट इसलिए मंगाई है क्योंकि एंड गेम का फीवर बहुत ज्यादा है और 26 अप्रैल को एंड गेम आ रही है, और ये टी शर्ट पहन के मैं जाऊँगा एवेंजर्स एंड गेम देखने और उसका व्लॉग जरूर बनाऊंगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है, वादा है, वादा है। वाह मोदी जी वाह। मैंने सुबह बोला था कि मुझे कार वॉश करानी है, तो कार तो वॉश करानी पड़ेगी, क्योंकि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। आ
आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज हिट द लाइक बटन और जाते जाते आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, ये है मेरा यूजर नेम डेलिहाइट रमन, जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। बाकी तो सब फर्स्ट क्लास है, तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।